आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएफसी की ब्रांडिंग की गई है साइड पर अगर आप देखते हैं तो ज्यादा कुछ डिटेल्स मैंशन नहीं की गई यहाँ पर जो वॉच है उसके कलर बनाए गए हैं और दैट इज वेरी मच एट ये 44 मिलीमीटर mm के वर्जन के अंदर आ रही है लेकिन एक बहुत ही बड़ा चेंज जो कि स्मार्ट वॉच के अंदर आ रहा है वो ये है कि जितनी भी स्मार्ट वॉचेज हमने इस चैनल के ऊपर अब तक शो की हैं अपार्ट फ्रॉम एप्पल वॉच वो सब स्मार्ट वॉचेज आपको सिलिकॉन बैंड प्रोवाइड करती हैं उनके साथ आने वाला जो बैंड है वो रबड़ का बना होता है बट यहां पर जिस तरह एप्पल के केस में आपको मिलनीज लूप मिलती है उसी तरह यहां पर आपको बेसिकली मेटल से बना हुआ बैंड देखने को मिल रहा है जो कि ज्यादा प्रीमियम फील और टेक्सचर जो है वो प्रोवाइड करेगा और इसको ओपन भी कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसकी जो बाकी हाईलाइट है वो दिखा सकूं ऑब्वियसली इसको मेरी टीम जो है वो टेस्ट आउट कर चुकी है हम लोग कोशिश करते हैं कि मुकम्मल टेस्टिंग के बाद ही आपको जो वीडियो है वो दिखाई जाए भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर आपका ये स्टेनलेस स्टील का जो बैंड है ये देखने को मिल जाता है ये स्टेनलेस स्टील है जिसको कलर किया गया है बेसिकली और उसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर एक वायरलेस एडाप्टर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस वॉच को चार्ज करने वाले हैं एंड इसको इसके प्लास्टिक रैप से निकाल भी लेते हैं यहाँ पर जो लुक है वो इस वॉच की काफी ज्यादा मजेदार है मैं इसको मोबाइल फोन से पेयर कर लेता हूँ ये लूप वगैरह लगा लेता हूं उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा है ओके okay, भाई तो स्मार्ट वॉच यहाँ पर फाइनली रेडी हो गई और सबसे पहला काम जो कि मैंने किया वो ये है कि भाई इसका बैंड लगाया ऐप इंस्टॉल किया ऐप का नाम वेयर प्रो है और सबसे पहली चीज जो कि मैंने किया वो ये है कि मैंने इसका जो वॉच फेस है ना नया डाउनलोड कर लिया है मजेदार बात यह है कि यहां पर आपके पास जो वॉच फेसेस हैं उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है इनफैक्ट मैं पुश करी जा रहा था मैं यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर भी डाल दूंगा एडिटिंग के अंदर के एग्जैक्ट वॉच फेसेस क्या हैं बट मैं मतलब इसके एंड तक नहीं पहुंच सका इतने ज्यादा वॉच फेसेस हैं और ये आप यूज कर भी लीजिएगा उसकी वजह यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो वॉच फेसेस इसके अंदर आए हैं वो मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आए बहुत सारा फिनिकी लग रहे थे और वॉच का जो डिस्प्ले है ना वो काफी बड़ा है और एच टू एच भी जाता है जिसकी वजह से ये जो नए टाइप के वॉच फेसेस हैं ना जिनमें ज्यादा डिटेल आ रही होती है ये ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और मैंने इसीलिए ये वॉचेस फॉरन जो है वो चेंज कर लिया है एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर ये जो बैंड है आ, ये बेसिकली दिखने में मिलनीज लूप वाली जो लुक है वो प्रोवाइड करता है आप इसे नीचे से यहाँ से लगाते हैं और ये कुछ इस तरह करके बंद हो जाता है और उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट भी करवा सकते हैं अब मैंने जैसे बताया था कि इस वॉच के अंदर दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा नए हैं उनमें एक फीचर तो यही है कि इसके अंदर जो बैंड है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आपको देखने को मिल जाता है बट उससे भी ज्यादा मजेदार किस्म का फीचर जो कि मुझे देखने को मिला है वो इस वॉच के अंदर है स्मार्ट वॉच को जब आप यूज करना स्टार्ट करते हैं और इसके मेन्यू सिस्टम को ओपन करते हैं तो पहली चीज जो कि आपके नोटिस में आती है वो ये है भाई कि इसके अंदर जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं उन हाईलाइटेड फीचर्स में एक मसाज मोड भी है ये वॉच आपकी बाजू को मसाज भी कर सकती है अब मुझे नहीं पता कि कौन बंदा मसाज करवाना चाहेगा और वो भी वॉच के थ्रू बट जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये बेसिकली आपकी बाजू के अंदर नीचे वाली साइड पर पल्स भेजती है जो कि आपके बाजू को किसी हद तक मसाज कर सकता है आई डोंट नो ये कोई बंदा यूज करेगा या नहीं करेगा बट एक छोटा सा यूनिक फीचर है जो कि इस वॉच के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है उसके अलावा यहां पर आप अलार्म के थ्रू जो है वाइब्रेशन वो भी करवा सकते हैं अदर अर्दन तो दैट जो आप एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच से चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं कॉलिंग की तो यहां पर ब्लूटूथ कॉलिंग अवेलेबल है और ब्लूटूथ कॉलिंग जो है वो उसका मेन्यू भी काफी अच्छी तरह से रखा गया है तो आप बीटी कॉल को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं ताकि आप बैटरी को अगर बचाना चाहते हैं तो आप बचा सकें एसएमएस या दूसरी ऐप की जो नोटिफिकेशंस है वो भी यहां पर अवेलेबल है यहां पर एस और

मेडिकल डिवाइस ट्रीट करने की गलती मत करिएगा कोई भी स्मार्ट वॉच ये नहीं कोई भी स्मार्ट वॉच यूजली जो मार्केट के अंदर आती है दैट इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस मुझे अक्सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी-अभी डॉक्टर बन रहे हैं ना तो वो कहते हैं हम जो एसपी02 एसपीओ2 uh, का मॉनिटर लेते हैं वो इतने का है घड़ी इतने की आती है तो हम uh, यहां पर अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें घड़ी क्यों नहीं यूज कर लेते तो भाई उसकी रीजन ये है कि जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और वो सिर्फ एक काम करने के लिए बनी होती है जबकि स्मार्ट वॉचेस जो हैं इनमें मल्टीपल काम करने होते हैं और यही वजह है कि ये मेडिकली

yeah uh -huh. जिसका बेसिकली फायदा यह है कि मैं अपनी वॉच के थ्रू भी अब दरवाजे को अनलॉक कर सकूंगा और मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं एक बार इसका जो टैग है वो सेटअप कर लूंगा और उसके बाद मैं वो भी कर सकता हूं आपके आईफोन के अंदर एनएफसी ऑटोमेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो आप अपने मोबाइल फोन को एन के इस टैग के ऊपर टच करेंगे और आप जो भी ऑटोमेशन करना चाहेंगे आप कर सकते हैं आप चाहते हैं कि भाई जैसे ही आपकी वॉच पर कोई बंदा टैप करे अपना फोन तो आपका जो आई कार्ड है वो उस तक चला जाए या आप चाहते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड चला जाए तो वो फंक्शनैलिटी भी आप जो है वो एड कर सकते हैं और वॉच के अंदर क्यू कोड को भी सेव किया जा सकता है ताकि अगर कोई बंदा आप फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना विजिटिंग कार्ड देना चाहते हैं तो आप कूल cool बंदे हैं ना आप नॉर्मल तरीके से नहीं तरी देंगे तो आप अपनी घड़ी आगे करेंगे उस पर क्यू आर कोड होगा जैसे ही वो बंदा स्कैन करेगा आपकी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो उस तक चली जाएंगी तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है और कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा मजेदार और यूनिक चीज लगी और स्पेशली एक ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली वारंटी प्रोवाइड करते हुए प्रोडक्ट्स बेच रही है उस हिसाब से आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इस वॉच ने लिया है अंदर दाड़ी IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देती है और ये सब फीचर्स ये फीचर्स जो कि इतने ज्यादा मैंने आपको बताए हैं मैं अगर ऑनेस्टली सोचूं तो इस टाइम के हालात के हिसाब से 8000 की रेंज में होने चाहिए बट ये जो स्मार्ट वॉच है इंटरेस्टिंगली 6500 के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च की गई है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मजेदार किस्म का प्राइस टैग है और जो भी बंदा इस स्मार्ट वॉच को परचेज करेगा वो इससे मुकम्मल तौर पर खुश रहने वाला है क्योंकि जो प्राइसिंग है वो इतनी ज़्यादा बेहतर की गई है कि जो बाकी कॉम्पिटिशन है उसको ये साइड पे कर देती है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा इस स्मार्ट वॉच का अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं इसका नाम है एक्स वॉच पल्स वन ताकि आप लोगों को पता हो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की यूनिक स्मार्ट वॉचेस हम और लेकर आएँ तो डेफिनेटली बता दीजिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि यार बस बहुत हो गया हमने स्मार्ट वॉच जो खरीदनी थी हमने खरीद लिया तब भी मुझे बता दीजिएगा चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ली वीडियो में इतना ही तस्वीर ऑफ अल्ला